हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूरे साल हमें टमाटर मिलते रहें इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए हम अपने घर में, जैसे ही आप टमाटर तैयार करते हो, आपका टमाटर का पौधा तैयार होता है और उसके बाद में आपको दूसरी सीडलिंग कर देनी चाहिए। जैसे कि ये मेरी एक छोटी सी ये बगिया है और इसमें ही मैं अपने टमाटर पूरे साल में कैसे प्राप्त करती हूँ यह बताऊंगी मैं आपको। कि देखो, ये मेरे जो टमाटर लगे हुए हैं, इस पर मैं कल टमाटर हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। इसमें बल्कि ये एक लगा हुआ है और इसी तरह देखो, यहाँ पर भी मेरे जो टमाटर हैं, ये मेरे टमाटर 5-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे कम से कम 2-3 महीने पहले लगाए हुए टमाटर हैं और इसके साथ साथ जैसे ये मेरे टमाटर तैयार होंगे, उसके बाद जब मैं इसको हार्वेस्ट कर चुकी होंगी, इसको पूरा करने के बाद मेरे पास ये दूसरी सीडलिंग मैंने लगाई हुई है। इसको करीबन 23 दिन हो गए हैं, इन टमाटरों को 23 दिन हो गए हैं और देखो, इन पर भी फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है और देखो कितने हेल्दी मेरे पौधे हैं और देखो, इन पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये मेरी दूसरी किस्त है, पहली टमाटर ये लगे हुए हैं, इनमें टमाटर आने लगे हैं और इन पर फ्रूटिंग हो चुकी है। और उसके साथ साथ ही मैंने ये जो मेरी भिंडी की क्यारी है, भिंडी की क्यारी में ही मैंने टमाटर डाल दिए थे और ये मेरी जो सीडलिंग है ये लगाने के लिए तैयार है। अब मैं इनको दूसरी क्यारी में आज लगाऊंगी। ये मैंने भिंडी में इस तरह इसलिए लगाई थी क्योंकि इनको मैं निकाल लूंगी, टमाटर के सीडलिंग को, और जो ये मेरी भिंडी है ये मेरे को भिंडी देने के लिए पौधे तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही फिर मेरी ये तैयार होगी सीडलिंग के बाद, मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली थी, आपको पता होगा, ये मेरी दूसरी टमाटर की सीडलिंग तैयार है। इस तरह किस्त वाइज मेरी जो टमाटर की सीडलिंग है वो तैयार रहती है और इस प्रकार मुझे पूरा साल टमाटर मिलते रहते हैं। आप भी अगर आप अपने घर में टमाटर उगाएं तो ये मत सोचें कि आपने एक बार लगाए तो उसके बाद में न लगाए, एक महीने के बाद आप दोबारा टमाटर बोएं और फिर उनसे टमाटर इनके वो हार्वेस्ट कर लेंगे तो दूसरे टमाटर हमारे लिए तैयार रहेंगे। देखो, मेरी इस बगिया में इतने टमाटर लगे हुए हैं कि इसमें मेरा पूरा सीजन निकल जाएगा। कैसे, इनको ही मैं हार्वेस्ट करूंगी, उसके बाद मेरी दूसरी सीडलिंग तैयार है जो आपको दिखा था, जिनको 15-20 दिन हुए हैं, और उसके बाद मेरी ये भिंडी के क्यारी में लगी हुई सीडलिंग, और उसको मैं लगाकर जब फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं इनको रोपित कर दूंगी। इस प्रकार मेरा पूरा सीजन मेरे को फ्रेश घर के टमाटर मिलते रहेंगे। और इसकी केयर के लिए भी मेरे पास कोई खास, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसमें सबसे ज़रूरी है मेरा ये जो मेरी क्यारी टमाटर की सीडलिंग के लिए जो मैंने ये तैयार की है, इसमें मैंने मिट्टी कंपोस्ट खाद ही बस मिलाई हुई है और इसको मैं सीडलिंग को मैं लगा दूंगी और मुझे पूरा साल टमाटर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपको पूरा साल टमाटर मिले तो आप भी ये ट्रिक अपनाएं और आप 1-2 महीने के बाद आप नई सीडलिंग तैयार करते रहें, फर्स्ट को हार्वेस्ट करते रहें और दूसरों को आप लगाते रहें, तो इस प्रकार आपको पूरा साल टमाटर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैंगन के पेड़ पर टमाटर कैसे, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ जाता है टमाटर, तो मैंने इसको सारा देने के लिए इसको बैंगन के पौधे पर रख दिया।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।